What kind of a person is Nirmal Pandey? I'm a very simple man, basically. और वही ज़रूरत है कि मतलब वो मेरे धंधे में भी जाती है कि मैं एक सिंपल किस्म का आदमी हूँ और सिंपलिसिटी में मैं ज़्यादा बिलीव करता हूँ क्योंकि उसी से आप अपना आगे वाला कदम बढ़ाते हैं. ये मान के चलना कि आपने अभी तक जितना किया वो बहुत कुछ कर दिया, ऐसा कुछ नहीं किया हमने. ये तो लंबी प्रोसेस है, मैं इस पर ज़्यादा बिलीव करता हूँ. और क्योंकि मेरी ट्रेनिंग थिएटर की है तो मैं काफ़ी कोऑपरेटिव किस्म का आदमी हूँ. मेरे दोस्त भी मेरे बारे में कहते हैं कि वेरी हेल्पफुल मैन यू आर, तो अच्छा लगता है कि अगर अच्छा है कि दिमाग ना चढ़े आसमान में तो बहुत अच्छी बात है. जितना सिंपल रह सकते हो आप उतना सिंपल रहिए, क्योंकि आप अभी वर्क कर रहे हो, आने वाली जनरेशन वर्क करेगी, फिर उसके पीछे कोई आएगा, ये तो चलता रहेगा. और फिल्म की ज़िंदगी को निजी ज़िंदगी से मैं नहीं जोड़ता, वो एक अलग चीज़ है. लेकिन आम जिंदगी में आपके वही दोस्त हैं, ठीक है, आप आज एक पॉपुलर आदमी हैं, लेकिन आपको पॉपुलर बनाने में हज़ारों लोगों का योगदान भी है. आप अकेले नहीं बन गए, किसी ने छोटी छोटी सी मदद से आप आगे बढ़े, किसी ने आपको प्रवोक किया आगे बढ़ने के लिए, किसी ने आप पर आपके लिए चैलेंज दिया, किसी ने आपको बुरा भला कहा. बुरा इसलिए कहा क्योंकि शायद बुराई हमारे अंदर होगी, उसको निकालो और फिर आगे बढ़ो. तो मैं इस पर बिलीव करता हूँ, मेहनत पे मैं बिलीव करता हूँ. जब भी मुझे काम करने को मिलता है तो मैं फुल्ली इन्वॉल्व होकर वर्क करता हूँ. और उसके बाद मैं ज़्यादातर मेरा अपना जो है घर में रहना पसंद करता हूँ, कि जब भी फिल्म से या थिएटर से काम वहाँ पर वर्क नहीं होता तो मैं घर में अपनी वाइफ के साथ रहना पसंद करता हूँ. और वो तालमेल ज़िंदगी का बना रहे तो बहुत ही अच्छी बात है, उसमें बात और क्या हो सकती है. मैं ये कहूँगा कि देखो सभी ब्रिलियंट हैं. अगर ट्रेन टू पाकिस्तान जैसे सब्जेक्ट को जो हाथ लगाने हो की हिम्मत करे, उसके अंदर कुछ ना कुछ भूता जरूर होगा. या बैंडिट क्वीन जैसी फिल्म बनाने के लिए कोई कोशिश करे, इस रात की सुबह नहीं, या दायरा जैसी अमोल पालेकर, और इनके बारे में आपको मालूम ही है कि शेखर ने बहुत सारी फिल्म्स नहीं दी, लेकिन एक दो फिल्म से प्रूफ तो हो जाता है कि यार इसकी मेकिंग जो है इस तरह की है. या अमोल पालेकर ने अपने एक्टिंग के थ्रू इतना प्रूफ किया, या पामेला ने जो उसकी पहली फिल्म थी उस पर उसने प्रूफ किया. तो आपका आप लालियत होते हैं उनके साथ वर्क करने के लिए. लेकिन इतना ज़रूर है कि थोड़ा बहुत फ़र्क तो सब में होगा ही, क्योंकि मैंने कहा ना कि पहले ही सबके अपने अपने आइडियाज़ होते हैं सब चीज़ों को लेकर. उनका एक अपनी फॉर्म होती है जिस पर वो फिल्म बनाते हैं, कि इस फॉर्म के अंदर मैं ये फिल्म बनाऊँगा, थोड़ा स्टाइलाइजेशन रखूँगा, थोड़ा सा उसमें म्यूज़िक ज़्यादा डोमिनेटिंग होगा, उसमें अभिनय पक्ष ज़्यादा डोमिनेटिंग होगा, किसी का विजुअल में बहुत ज़्यादा वो रहता है, कॉन्सेंट्रेशन रहता है, किसी के एक्टर्स की परफॉर्मेंस में ज़्यादा वो ध्यान देते हैं. बस डायरेक्टर्स ड्यूरिंग द शूट इम्प्रोवाइजेशन करते हैं उस पर. तो उनको तीनों को ये कहना कि तीन अलग अलग कर पाना कि वो बहुत ग्रेट है ये ग्रेट नहीं है, ये मानना बिल्कुल ही गलत है. हमको ये देखना पड़ेगा कि किस फॉर्म के अंदर जो डायरेक्ट कर रहा है उसके अंदर आप कैसे फिट इन हो पाते हैं. आपको ढालना पड़ेगा, उसको नहीं ढालना पड़ेगा आपके अनुसार, क्योंकि उसने एक वाकई में उसके माइंड में एक फॉर्म चल रही है जिस पर वो फिल्म बना रहा है. तो आपने को फिट इन करना होता है. और मेरे को तो बहुत ही अच्छी बात है कि मेरे को तीनों अलग अलग डायरेक्टर्स मिले जिसमें कुछ एक दूसरे की जैसी बातें थी, पामेला की जैसी या अमोल पालेकर की कुछ चीज़ें शेखर जैसी हैं, लेकिन फिर भी वो एक सबसे एक दूसरे से अलग है. और यही खूबी है उसकी, तभी आप अलग अलग, इसलिए तो इंडिविजुअल है कि वो शेखर कपूर है, वो अमोल पालेकर, नहीं तो सब एक ही चीज़ हो जाएंगे. यू नो, सब एक दूसरे को फॉलो करने लगेंगे तो फिर मज़ा नहीं आता. निर्मल, डू द रोल्स यू प्ले इन दिस कमर्शियल फिल्म सैटिस्फाई यू
नहीं ऐसा नहीं है, जैसे मैं अभी जो मेरे पास कमर्शियल फिल्म है उसमें जो कमर्शियल फील्ड के अच्छे डायरेक्टर्स हैं, जैसे शशिलाल नायर है जिन्होंने अंगार दी थी, और मेरे पास है जीतेंगे हम सुनील वोरा, आई एम वेरी सेटिस्फाइड विद हिम, और दीपक आनंद की शिवम है, और ये जो शिकारी अनचंद्रा की है, क्योंकि अनचंद्रा ने पहले अंकुश और प्रतिघात जैसी फिल्म्स दी हैं, तो मेरे लिए क्या एक्सपीरियंस हो रहा है, क्योंकि मैं कमर्शियल एक्टर्स के साथ भी वर्क कर रहा हूँ, जैसे गोविंदा के साथ, शाहरुख के साथ, और इधर अर्शद वारसी, और ये तो मेरे लिए बहुत बढ़िया एक्सपीरियंस है कि, लेकिन इतना नहीं कि आप ये सोच के चलो कि कमर्शियल है तो कमर्शियल एक्टिंग करूँगा, ऐसा नहीं होता। उन्होंने शायद मुझे इसलिए कास्ट किया कि मैं एक बेहतर एक्टर हूँ, वो शायद इसी उम्मीद के साथ उन्होंने मुझे कास्ट किया है कि उनकी फिल्म में एक नया रंग आएगा, इसलिए नहीं कि मैं कमर्शियल एक्टिंग करना शुरू कर दूँ। अरे ये कुछ और होती कमर्शियल एक्टिंग, डब जम के डायलॉग बोलो और फैला फाली कर दो इस वहाँ पर, यू नो, ड्यूरिंग द शूट, कि एक अरे वो तमाशा कर दो, इसलिए उन्होंने मुझे कास्ट नहीं किया। उन्होंने कास्ट किया एक अच्छे रोल के लिए, एक अच्छे कैरेक्टर के लिए। मैं मोस्टली विलेन प्ले कर रहा हूँ इन तीन फिल्म्स में, लेकिन वो डिफरेंट किस्म के विलेन है जो कमर्शियल सेटअप में फिट इन होते हैं, जिसमें एक में ड्रग एडिक्ट है, एक में मल्टी मिलियनर है, एक में एस्थमेटिक है, वो उसको एस्थमा का प्रॉब्लम है जो विलेन है, वो बाद में जाकर रिवील होता है कि अरे इसको तो एस्थमा था, यू नो। तो अब पोर्ट्रेल पे जान होनी चाहिए आपके, क्योंकि दर्शक के बीच में अगर छाप छोड़नी है, अब पैसा तो इम्पोर्टेंट है ही भाई, पैसा नहीं है तो हम कैसे रहेंगे बताइए। आज हमको हज़ारों लोग मिलने आते हैं, तो लोग साथ में ये देखते हैं कि इसका स्ट्रेचर कितना। वैसे तो मैं बहुत सिंपल आदमी हूँ, मुझे दो रोटी में बहुत मज़ा आता है खाने में, दाल भात मिल जाए अपना आनंद रहता है मुझे, ये नहीं है कि मुर्ग मसल्लम बन रहे हैं और आप खाए चले आ रहे हैं, उस तरह की ज़िंदगी मैं बसर नहीं कर सकता। लेकिन तो फिर भी आपको अपना घर बार आपका, अब जानते ही हो बॉम्बे इतना आसान तो नहीं है सर्वाइव करना, और जहाँ आपका नाम हो जाता है फिर आपके लिए और मुश्किल हो जाती है, फिर लोग मिलने आते हैं, फिर उनका एक खास बजट होना चाहिए ऑफकोर्स, और वो बहुत सारी चीज़ें ऐसी हो जाती है कि आपको अपने स्ट्रेचर को बनाए रखना पड़ता है, ज़्यादा ध्यान देने लगते हैं लोग आपके ऊपर, इवन आपके नज़दीकी लोग भी आप पे ध्यान देना शुरू कर देते हैं, अरे ये तो इतना बड़ा एक्टर रोज़ अखबार में आता है, रोज़ टेलीविजन में बोलता रहता, क्या यार सिंपल से कमीज पहन के बैठा हुआ है क्या, देखो पैसे नहीं है क्या इसके पास, यू नो। तो इसको तो हमको झेलना पड़ता है, तो इसलिए वो मजबूरी है इसको कह सकते हैं और अगर ऐसा नहीं होता तो मुझे तो आनंद था कि मस्त रहो अपनी ज़िंदगी में, क्या करना है, मतलब काम करो जितना, लेकिन ये मजबूरी भी हो जाती है आपकी।